दोस्तों आज हम आपको जानकारी देंगे मारुति वैगनार ZXi प्लस वेरिएंट के बारे में, जो कि टॉप मॉडल है मारुति वैगनार का। और आप देख सकते हैं गाड़ी हमें कुछ इस तरह की दिखाई देती है। 7,40,000 रुपये के आसपास की ऑन रोड कीमतों के अंदर जो है आप इसको खरीद सकते हैं। 23 तक का माइलेज मिलेगा नई गाड़ी के साथ में, क्योंकि यहाँ पर आपको दिया गया है इसके अंदर 4 सिलेंडर BS6 इंजन, जो कि के सीरीज इंजन है और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ में ये इंजन आएगा। इस इंजन से दोस्तों आपको 89 BHP की पावर और 113 NM के आसपास का टॉर्क मिल जाता है। यहाँ पर दोस्तों अगर हम माइलेज की बात करें तो वैगनार के साथ में आपको माइलेज मिलता है लगभग 23 किलोमीटर तक का, ऐसा कहना है कंपनी का, लेकिन 18 से लेकर के 19 तक का आप माइलेज जो है इजीली प्राप्त कर सकते हैं। बाकी डिपेंड करता है कि आप अपनी गाड़ी को किस तरह से चलाते हैं। तो आप देख लीजिएगा दोस्तों, मारुति वैगनार हमें कुछ इस तरह की दिखाई देती है। बीच में आपको मारुति सुजुकी का S लोगो है, नीचे आपको फॉग लैंप मिलेंगे, काफ़ी बड़े हेडलाइट हैं टर्न इंडिकेटर के साथ में। और गाड़ी के अंदर दोस्तों कई सारे कलर ऑप्शंस आपको देखने के लिए मिलते हैं। ये आप देखेंगे इसका बोनट है, यहाँ पर ये बोनट को इस तरह से आप खोलते हैं। एयर कंडीशन का इनटेक यहाँ से होता है हवा का, और ये दो वाइपर हैं। काफ़ी बड़ी आपको विंडशील्ड प्रोवाइड की गई है गाड़ी के साथ में, ऊपर आपको रेडियो एंटीना मिल ही जाता है। साइड में अगर आप देखते हैं तो ORVM के ऊपर आपको टर्न इंडिकेटर मिलेंगे। गाड़ी के अंदर 40,000 रुपये के आसपास की एसेसरीज फिटमेंट की गई है, जिसके बारे में आप जो है अगर चाहें तो मारुति डीलर से लगवाएं या बाहर से भी आप लगवा सकते हैं। 14 इंच के टायर हैं, ट्यूबलेस टायर मिलते हैं आपको गाड़ी के साथ में। और ओवरऑल दोस्तों गाड़ी काफ़ी अच्छी है। आगे की साइड में आपको मैक पर्सन स्टर सस्पेंशन और पीछे आपको कॉयल स्प्रिंग सस्पेंशन जो है यहाँ पर प्रोवाइड किए गए हैं। यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो इसके अंदर आपको 32 लीटर का फ्यूल टैंक प्रोवाइड किया गया है। और पीछे से अगर आप देखेंगे वैगनार को, तो पीछे आपको यहाँ पर डिफॉगर है, वाइपर है, कैमरा है, सेंसर है, रिवर्स पार्किंग सेंसर है। ऊपर आप देखते हैं तो आपको एक हाई स्टॉप लाइट इसके अंदर प्रोवाइड की गई है, जो कि आपकी सेफ्टी को एनहेंस करने का काम करती है। तो इस तरह की है वैगनार ZXi प्लस गाड़ी। वैगनार एक ऐसी गाड़ी है जो कि दोस्तों चलाने के हिसाब से, देखने के हिसाब से काफ़ी अच्छी गाड़ी है, जिसके अंदर अगर आप देखते हैं तो काफ़ी बड़े आपको टेल लाइट दिए हैं, जो कि गाड़ी के रियर प्रोफाइल को काफ़ी खूबसूरत बना रहे हैं। और यहाँ पर इसका जो बूट स्पेस है वो मिलता है आपको 341 लीटर का, जिसके अंदर आपको पीछे की जो दोनों सीट हैं, ये वाली जो सीट है, इनको आप जो है 60-40 के रेसो में टिल्ट भी कर सकते हैं, जिससे कि आपका बूट स्पेस यहाँ पर और इंक्रीज हो जाता है। पार्सल ट्रे मिलेगा, नीचे आपको इसका स्पेयर व्हील भी यहीं प्रोवाइड किया गया है। तो गाड़ी को अगर हम पीछे से देखें तो ओवरऑल इस तरह की गाड़ी हमें दिखाई देती है, जहाँ पर आपको आगे के दोनों साइड में ड्राइवर एंड कोपायलट के लिए आपको यहाँ पर जो है एयरबैग्स दिए हैं सेफ्टी के लिहाज से। और गाड़ी के अंदर दोस्तों आपको यहाँ पर जो है इसके अंदर ABS, EBD ये सारे फीचर्स मिल ही जाते हैं, जो कि अमूमन बहुत काम की चीज़ें होती हैं सेफ्टी के लिहाज से। और अब हम गाड़ी के अंदर चल के आपको इसके जो हैं सारे ही फीचर्स हैं वो दिखा देते हैं। और पीछे वाली सीट से हम शुरुआत करेंगे। सबसे पहले पीछे वाली जो सीट है, इसके अंदर आपको यहाँ पर काफ़ी अच्छा खासा स्पेस मिलता है। डोर की ओपनिंग भी काफ़ी वाइड है। पीछे दोनों ही साइड में आपको पानी की बॉटल रखने के लिए स्पेस मिलेगा। म्यूजिक सिस्टम आपको मिलता है गाड़ी के अंदर आपको, तो चारों ही डोर के ऊपर आपको स्पीकर दिए गए हैं, जिससे कि आवाज़ का आनंद आप ले सकें। लेग स्पेस काफ़ी अच्छा है, हेडरेस्ट वगैरह आपको यहाँ पर मिलते हैं फिक्स टाइप के, और काफ़ी अच्छा स्पेसियस जो है जगह आपको देखने के लिए मिलती है। ABS, EBD ये सारे फीचर्स मिल जाते हैं। इंजन इमोबलाइजर है, चाइल्ड सेफ्टी लॉक है, सारे फीचर्स मिलेंगे। और अगर हम अंदर दिखाएं ड्राइवर साइड से आपको, तो आप देख रहे हैं ड्राइवर साइड के डोर के ऊपर आपको सारे ही कंट्रोल स्विचेस मिल रहे हैं पावर विंडो के। यहाँ पर या आप ORVM को एडजस्ट कर सकते हैं। सेंट्रल लॉकिंग वगैरह है, यहाँ पर भी आपको पानी की बॉटल रखने के लिए स्पेस है। ड्राइवर को गाड़ी चलाने के लिए काफ़ी अच्छा खासा लेग स्पेस दिया गया है। दोनों ही साइड में आपको सीट जो है काफ़ी अच्छी मिलेंगी, अच्छे थाई सपोर्ट वाली ये सीट है। स्टेयरिंग के ऊपर आप देखेंगे यहाँ पर जो है इसके अंदर स्टेयरिंग कवर लगाया गया है, और यहीं पर आपके सारे ही कंट्रोल जो है देखने के लिए मिलते हैं, जो कि मल्टीमीडिया के रिगार्डिंग आप अपने फ़ोन को पिक कर सकते हैं, ड्रॉप कर सकते हैं, मोड बटन है, वॉइस असिस्टेंस है, ये सारे फीचर्स मिलते हैं। इस साइड में आपका 5-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन का गियर शिफ्ट लीवर है। मैनुअल AC प्रोवाइड किया गया है AC, और यहाँ पर आपको इसके अंदर 7 इंची का जो है म्यूजिक सिस्टम, 2D म्यूजिक सिस्टम दिया गया है, जिसके अंदर आप एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, इन सब चीज़ों का एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पर आपका USB और मोबाइल चार्जिंग, और इस साइड में आपको जो है इसके अंदर एक लॉकेबल ग्लोव बॉक्स, लॉकेबल नहीं है, सिंपल आपको ग्लोव बॉक्स जो है यहाँ पर दिया गया है। ऊपर अगर आप देखते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर आपको लाइट दी गई है। दोनों ही साइड में आपको सनवाइज़र मिलेंगे। इस साइड में आपको वैनिटी मिरर भी प्रोवाइड किया गया है। IRVM है, माइक्रोफोन है, और यहाँ पर भी आपको एक सनवाइज़र दिया गया है। दोस्तों 7,40,000 रुपये के आसपास के ऑन रोड कीमतों के अंदर आप इस गाड़ी को खरीद सकते हैं इंदौर शहर में। और गाड़ी के साथ में आपको 23 तक का माइलेज मिल ही जाएगा। 89 BHP की पावर वाला इंजन मिलता है, जो कि 113 NM का टॉर्क देगा।
और काफ़ी अच्छा माइलेज भी आपको वैगनार के साथ में मिल पाएगा। ये आप देख सकते हैं काफ़ी स्पेस है यहाँ पर भी कुछ छोटा मोटा सामान रखने के लिए। और इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले की अगर हम बात करें तो आपको मैं दिखाना चाहूँगा कुछ इस तरह की आपको इन्फॉर्मेशन शो होती है यहाँ पर तमाम सारी, काफ़ी डिजिटल रूप से और काफ़ी कलरफुल डिस्प्ले के ऊपर। दोस्तों अगर आप मन बना रहे हैं वैगनार लेने का तो आप बिंदास ले सकते हैं, गाड़ी काफ़ी अच्छी है, फ्यूल एफिशिएंट गाड़ी है और एक फैमिली कार के रूप में जो है मारुति की यह वैगनार आती है। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।